पिछले वीडियो में हमने टेस्ट क्रॉस समझने की कोशिश की थी, उसी से वहीं से हम आगे को बढ़ते हैं। तो आपको ये समझना है कि F2 प्लांट में मेंडल को तीन लंबे और एक बौना पौधा मिला। तो इसे हम जो है फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, जो कि हमेशा जो है 3:1 रहा। अगर हम जो है जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो वो जो है 1:2:1। जब मेंडल जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस करता है, तो जब F1 प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराता है, तो उससे जो है पहले तो हम ये पेरेंट्स बनाएंगे और फिर हम गेमेट्स बनाएंगे। ये गेमेट्स को हम गोल से रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड बना देंगे, सर्कल बना देंगे इनके चारों तरफ, और अगर अब देखिए मेंडल कहता है कि ये जो कैपिटल टी है जीन फादर से आया अगर, और ये मदर से आया स्मॉल टी, तो ये दोनों साथ साथ तो रहते हैं, साथ साथ तो रह रहे हैं, लेकिन आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, पेंट की तरह, लाल और सफेद पेंट की तरह मिक्स नहीं हो रहे हैं। ये दोनों जो हैं पार्टिकल्स की तरह, जैसे रेत के कण होते हैं, ऐसे ही जो है रेत के कण की तरह जो है ये साथ साथ हैं। ठीक है, ये स्मॉल टी है हरा वाला और लाल वाला जो है कैपिटल टी है, तो ये रेत के कणों की तरह, सैंड पार्टिकल्स की तरह साथ साथ हैं, ये पेंट की तरह मिक्स नहीं हो रहे हैं। इसलिए वो जो है इनको, गैमेट्स को जो है या जीन्स को प्योर कहता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दूसरा ये कहता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ये जीन्स जो है फिर दोबारा से पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसने इसका नियम का नाम जो है पृथकीकरण का नियम कहा, पृथकीकरण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले वीडियो में हमने एक बात की थी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथकीकरण का नियम ही मेंडल का एक ऐसा नियम है जो सभी पौधों और जानवरों में लागू होता है, और ये पूरी तरह से सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ के अपवाद हैं, इनके लिमिटेशंस हैं। अब जो है ये हो सकता है कि ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी मिलकर के एक प्योर टॉल बनाए, हो सकता है ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी जो है ये मिलकर के हाइब्रिड टॉल बनाए, और ये वाला टी स्मॉल टी कैपिटल टी मिलकर के ऐसा हाइब्रिड टॉल बनाए, और ये भी संभावना है कि स्मॉल टी मिलकर के एक डॉर्फ प्लांट बनाए। इस पीढ़ी को जो F1 पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन से बनी, इसको मेंडल जो है F2 जनरेशन या द्वितीय संतति पीढ़ी कहता है।
इंग्लिश के वर्ड्स भी याद करिए और हिंदी के वर्ड्स भी याद करिए। इनमें से देखिए टॉल कितने हैं, ये तीनों टॉल हैं, ठीक है, टॉल हैं। कितने टॉल हैं, तीन टॉल हैं, ठीक है। और डॉर्फ कितने हैं, डॉर्फ जो है एक ही है। ये कैसे हैं बाहर से देखने में, बाहर से देखने में तीन टॉल हैं और एक डॉर्फ है। इसे मेंडल कहता है फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन अगर हम इसके जीनोटाइप को देखें तो इसका जीनोटाइप तो कैपिटल टी है, इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो है कैपिटल टी प्योर टॉल जो है एक है, और जो हाइब्रिड टॉल हैं ये दो हैं, और डॉर्फ जो है एक है। तो चार में से 25% जीनोटाइप देखें तो 25% प्योर टॉल, 50% हाइब्रिड और 25% प्योर डॉर्फ प्राप्त होते हैं। इस रेशियो को 1:2:1 के रेशियो को जो है जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। तो ये दोनों शब्द हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण हो गए, एक फिनोटिपिक रेशियो और एक जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप जीनोटाइप। अब देखिए मेंडल ऐसा है कि जो है सिर्फ F2 तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। उसने जो है पहले आपने देखा कि F1 जनरेशन बनाई, ठीक है, उसके बाद उसने जो है F1 से सेल्फ पॉलिनेशन करा करके F2 बनाया। अब जो है मेंडल जो है मेंडल साहब जो हैं वो F2 जनरेशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। इनमें भी सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो ये जो टॉल आया इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो टॉल इनटू टॉल सेल्फ पॉलिनेशन करा तो जो सारे के सारे ऑल टॉल आएंगे, ठीक है। और इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इसमें भी जो है ऑल डॉर्फ, ठीक है। और अगर जो है इनमें जो है मेंडल ये जो बीच के दो थे हाइब्रिड टॉल इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराता है तो मेंडल को जो है फिर दोबारा से तीन टॉल और एक डॉर्फ मिलता है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो जो है इस जनरेशन को जो मेंडल कहता है F3 जनरेशन। ये जो जनरेशन आई इसको मेंडल कहता है F3 जनरेशन।
इसी तरह से ये जो पौधे हैं इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करा करके जो है मेंडल को F4 जनरेशन ऐसे करके जो है 7-8 जनरेशन तक मेंडल साहब जो है प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन कराते रहते हैं। तो अब कोई प्लांट मेंडल को जैसे समझिए कि F2 जनरेशन में कोई प्लांट मिला जो देखने में टॉल है। अब हम टेस्ट क्रॉस पे आ जा रहे हैं, ठीक है, टेस्ट क्रॉस पे आ जा रहे हैं। अब मेंडल को कोई F2 जनरेशन में पौधा मिला, मेंडल को जो है सिर्फ बाहर से देखने में पौधे मिलेंगे ना, जो भी देखेगा गुण वो बाहर का दिखेगा, अंदर से जीनोटाइप क्या है तो उसको नहीं पता चल सकता ना। अगर एक टॉल प्लांट है, अब ये पता नहीं क्या है, ये कैपिटल टी कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, कुछ भी इसका जो है कुछ भी जीनोटाइप हो सकता है ना। तो लेकिन मेंडल को तो सिर्फ बाहर से टॉल दिखाई दे रहा है। अब इसको पता करना है, ये पता करना चाहते हैं मेंडल कि ये कैसा है, ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, किस तरह का है, ये मेंडल पता करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, F2 प्लांट के जो टॉल प्लांट मिला है इसका क्रॉस करा देते हैं स्मॉल टी के साथ, ठीक है। और इसको हम कहते हैं रेसेसिव पेरेंट, इसे हम कहते हैं रेसेसिव पेरेंट अप्रभावी अप्रभावी जनक। अब फर्ज कीजिए कि ये जो है शुद्ध लंबा है प्योर टॉल, तो उसमें जो है सारे के सारे जो होंगे F1 जनरेशन में, जो सॉरी F1 नहीं कहेंगे हम इसे, इसे जो है F1 तो नहीं कहेंगे, तो इसमें जो है सारे के सारे जो है टॉल आएंगे, ऑल टॉल। लेकिन अगर ये जो है हाइब्रिड टॉल हुआ तो इसको हम जब जो है रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, तो सबसे पहले तो आप देखिए पहले इनके गेमिट्स बना लीजिए, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी गेमिट्स को जो है आप गोले में डाल दीजिए, ठीक है, गेमिट्स को हमेशा से गोले में डालना ठीक रहता है, और इनको भी गोले में डाल दीजिए, चारों को हमने गेमिट्स को गोले में डाल दिया, इनको नहीं डालने का, पेरेंट्स को नहीं डालेंगे, ठीक है, पेरेंट्स को कभी भी गोले में नहीं डालेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी इसको गोले में नहीं डालना है, इसको भी नहीं डालना है, सिर्फ गैमेट्स को गोले में डालना है। अब समझिए कि ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी से बन जाएगा ये, और ये वाला कैपिटल टी ये वाला स्मॉल टी मिलके बन जाएगा हाइब्रिड टॉल, ये दोनों हाइब्रिड टॉल हो गए, ठीक है, ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ मिल करके जो है डॉर्फ बना लेगा, ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ मिल करके डॉर्फ बनाएगा, तो हमारे पास दो जो हैं वो टॉल आ गए और दो जो हैं टॉल आ गए और ये दोनों जो हैं ये जो है डॉर्फ आए, तो रेशियो हो गया 2:2, या हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, काट दे 2 1 2, तो ये हो जाएगा 1:1 रेशियो। तो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज टेस्ट क्रॉस रेशियो इज क्रॉस रेशियो इज 1:1, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ